किसी ने मुझसे पूछा, मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ने से क्या होता? मैंने जवाब दिया, मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ने से हमें दूसरों की गलतियों का पता चलता है ताकि हम गलती ना करें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन स्टोरी को पढ़िए। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बता रहा हूँ जिसे पढ़ने के बाद आपकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रहेगी। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए मोटिवेशनल स्टोरी को शुरू करते हैं। कहानियाँ तो आप लोगों ने बहुत पढ़ी होंगी, बहुत सुनी होंगी, लेकिन ये रियल स्टोरी है जो हमारे दोस्त ने अपने आप पे लिखा है। तो दोस्तों इसको एक बार ज़रूर सुने। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जो हमारे दोस्त ने अपने ऊपर लिखा है, तो आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करेंगे। कहानी अगर पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम शुरू करते हैं आगे की कहानी को। हरीश नाम का एक लड़का था, उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह रेस को पूरी जरूर करेगा। अब रेस शुरू हुई है। हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे मगर अब हरीश थक गया था। वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा मगर वह आगे ज़रूर बढ़ रहा था। अब वह बहुत ज़्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी जरूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को कभी पूरा नहीं कर पाया था। वह ज़मीन पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसके पैर की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था, लेकिन आज वह बहुत खुश था क्योंकि आज वह हार कर भी जीत गया था। दोस्तों हम भी तो इस तरह की गलतियां करते हैं। हमारी लाइफ में कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो उस काम को नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और रोज़ 10 आवर्स की स्टडी करते हो और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं करते, मगर आपको भले ही 5 घंटे मिले, पढ़ना ज़रूर चाहिए। हरीश की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहें तो एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। यही सफलता का नियम है। अगर आपको भी यह मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको और भी मोटिवेशनल स्टोरी को पढ़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह हो। यहाँ आपको काफ़ी सारी मोटिवेशनल स्टोरीज का संग्रह मिलेगा जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम कहानियां हम आगे लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।